सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आँखों से, समझे न जिसे तुम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे कुछ दूर। जी मैं हूँ तलत अजीज, आपका मेजबान, और मैं वापस आ गया हूँ आपका खैर मकदम करने, वेलकम करने इस नए ताज़ा एपिसोड कारवाने गज़ल प्रोग्राम के, जिसमें मैंने आज एक शुरुआत की म्यूजिकली, क्योंकि ये एक म्यूजिकल प्रोग्राम है, गज़ल का प्रोग्राम है, मोहब्बत का प्रोग्राम है, और रिश्तों का प्रोग्राम है, और जज्बात का प्रोग्राम है। तो ये जज्बात से मैंने शुरू किया कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे ना जिसे तुम आँखों से, हम बात जबानी कह देंगे, मेरी जबानी आप मेरी रूह तक पहुँच सकते हैं, है ना। देखिए आपका और मेरा रिश्ता बहुत ही खास है, आप वहाँ रेडियो पर मुझे सुन रहे हैं और मैं यहाँ स्टूडियो से आपसे ताल्लुक पैदा कर रहा हूँ। ये रिश्ता हमारा बहुत खास है, बहुत गहरा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसा ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, ये कारवां में लोग काफी जुड़ते जा रहे हैं और बहुत मोहब्बत से जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। गजल जिसके बारे में बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन आज फिर से मैं कुछ गजल के बारे में कहना चाहूंगा। गजल के है क्या, गजल, गजल ये शय क्या है, गजल चीज क्या है, गजल किसका नाम है। एक स्कूल है गजल का जो कहता है कि गजल अपनी माशूक से बातें करने का नाम है, बिल्कुल सही। एक रिवायत है ईरान में, कहते हैं कि जब वो हरन के सीने से जब एक तीर चला जाता है तो उसके उसके जो रूह से एक चीख निकलती है, वो उसका नाम गजल है। उसमें एक खास बात ये नोट कीजिएगा, बात है एहसासात की, चीख भी एक फीलिंग है और मोहब्बत भी फीलिंग है। जानिसार अख्तर ने बहुत ही खूबसूरत शेर गजल पर उन्होंने कहा था। जानिसार अख्तर हिंदुस्तान के उर्दू के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े फिलोसोफर, और हमारे जावेद अख्तर साहब के वालिद, उन्होंने कहा था कि हमसे पूछिए गजल क्या है, गजल का फन क्या है। कहते हैं हमसे पूछिए गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में एक आह छुपा दी जाए। जो आह होती है ना, मोहब्बत की, दर्द की, एहसासात की, बस उसको छुपा दीजिए और खुद ब खुद गजल वाजे हो जाती है। क्योंकि मोहब्बत शुरू होती है एक लेवल पे, एक सतह पे। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि देखिए मोहब्बत डिफरेंट लेवल्स की होती है। एक जाहिरी मोहब्बत होती है जो एक बहुत इनिशियल किंडरगार्टन मोहब्बत, पपी लव जो कहते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, गहराई पर आता है, गहराई पर आता है, गहराई पर आता है, और फिर जब एक ऐसी गहराई से वो पार हो जाता है तो फिर वो मोहब्बत माशूक के जरिए आप अपनी रब तक पहुंचते हैं, आप रब को अपने माशूक में देखते हैं, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी पहुंच जाते। तो ये रही फिलॉसफी की बात। ये गजल मैं आपको सुनाऊंगा इसीलिए जगजीत सिंह साहब की आवाज में, बहुत कम लोगों ने सुनी है, हालांकि अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये राग बागेश्वरी है, जैसा कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। सगम जनी दम पद गे नींद मदनी सगरे सा। अब ये राग हो गई बागेश्वरी, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं जगजीत साहब, सुनिएगा। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है, ये कौन जानता है, कौन किस जगह होगा। तो मैं हूं तलत अजीज, कारवाने गजल प्रोग्राम पे 92.7 बिग एफएम पर। अब बात चलेगी एहसास, धड़कन, मोहब्बत, इश्क, और फिर उसके साथ साथ एक उर्दू का लफ्ज आता है, कुर्बत। अरे ये कुर्बत आप सोचेंगे क्या मैंने कह दिया, कुर्बत का मतलब क्लोजनेस।
आपसे करीब होना, जैसा कि आप और मैं एक दूसरे के करीब हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं माइक के इस तरफ हूँ स्टूडियो में और आप रेडियो के उस तरफ सुन रहे हैं मुझे, यही फासला है। लेकिन दिल का हमारा फासला कोई नहीं है, आपका दिल और मेरा दिल बिल्कुल एक है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर। और मैं हूं, आप जानते हैं, आपका दोस्त, आपका मेजबान और आपका खिदमतगार तलत अजीज। तो दोस्तों, मैं एक और एक बात शेयर करना चाहूंगा। गुर्बत की जब बात आई तो एक मैंने गजल गाई थी बहुत अरसा पहले, 2009 में, अहमद फराज साहब का कलाम था, गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। अब 2008 में मेरा छोटा भाई सोनू निगम और मैं बैठे थे एक दिन, और सोनू ने कहा कि तलत जी एक काम करते हैं, लेट्स डू एन एल्बम टुगेदर, गजल का एल्बम करते हैं। और मैंने कहा ऐसा करते हैं, क्लासिक पोइट्स का एल्बम करते हैं जिसमें जौक से लेके दाग, मीर, गालिब, जौक, मोमिन, ऐसे होते होते मौजूदा जो क्लासिक पोइट्स हैं अहमद फराज साहब तक। आइडिया बहुत अच्छा लग गया उसको, तो हमने काम शुरू कर दिया। अब यह हुआ कि सोनू अपने टूर पर कहीं चला गया इंडिया के बाहर, और रिकॉर्ड कंपनी जो थी, म्यूजिक कंपनी सारेगामा, उन्होंने कहा कि साहब तले साहब हमको तो अब बजट्स खत्म हो रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, तो अब आप जल्दी से रिकॉर्डिंग करके दे दीजिए। अरे मैंने कहा अभी कैसे, तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैंने 8 गजलियात रिकॉर्ड की, जिसमें एक गजल इनकी थी अहमद फराज साहब की, गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांग। और सोनू अपने टूर पर लेट हो गया, काफी लेट हो गया वापस आने में, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद लोगों ने कहा कि, म्यूजिक कंपनी ने कहा कि नहीं हमें मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए। मैंने मास्टरिंग भी करके मैंने दे दी, एल्बम सारी उनको सुपुर्द कर दी। जब सोनू वापस आए तो एक दिन हम बैठे थे घर पे, तो सोनू ने कहा कि तलत जी वो एल्बम का क्या हुआ, चलो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा भाई सोनू वो तो हो चुका। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, किसी हालत में मुझे इसमें शामिल होना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने एल्बम को रुकवा दिया और मैं और सोनू उसके स्टूडियो में गए, जो सोनू के खास स्टूडियो जहां पर वॉइस डब कर सकते हैं हम। रात के 2:30 बजे तक हम दोनों ने ये गजल डब की। गजल में कैसे वो उन्होंने अपने आप को ढाला, गजल गायकी में, कहता था सोनू कि तलत जी जरा आप इसको गाकर सुनाइए, जरा गाइए जगह, और फिर उस पर वो सुन सुन कर जो तलफ्फुज जहां पर स्ट्रेस है, बहुत बारीक बारीक बातें कह रहा हूं आपको। बस जब वो रिकॉर्डिंग हुई तो उसके बाद सोनू जब खुलकर अपने अपने टचेस ऐड किए उसमें, तो एक अजीब सी, एक नायाब, एक नए दौर की गजल बन गई है। कुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम तलत अजीज के साथ। वाह, क्या कॉम्पोजिशन, क्या गायकी और क्या फील, मदन मोहन साहब, लता जी, डेडली कॉम्बिनेशन था। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन तो बचाएं कैसे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या पोइट्री थी, क्या फीलिंग थी और क्या कॉम्पोजिशंस, कैसे लोग थे। ऐसा नहीं कि आज नहीं, आज भी हैं, लेकिन वो अलग बात है। मैं फिर इस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, अब नहीं। तो ये आपने जो सुना मदन मोहन साहब और लता जी का कॉम्बिनेशन था, लेकिन मदन मोहन साहब और तलत महमूद साहब का भी एक कॉम्बिनेशन था। आपको याद है ना कि आप किसको सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, यानी तलत अजीज, जो 92.7 बिग एफएम के जरिए आपसे बातचीत कर रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि कॉम्बिनेशन की, लता जी और मदन मोहन साहब का जो कॉम्बिनेशन, ये तो कमाल था, सारी दुनिया जानती है। लेकिन और एक जो कॉम्बिनेशन था वो भी खास था, और वो था मदन मोहन साहब और तलत महमूद साहब जी। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गजल नुमा गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था, हालांकि गजल नहीं है टेक्निकली, लेकिन वो गजल का ही पूरा स्टाइल है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, डा 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 डा। देखिए इंटरल्यूड्स ही मुझे याद है कि म्यूजिकल पीसेस क्या होते थे, उसमें सितार आता था
वाह क्या दौर था और क्या मजा आ रहा है। मैं माफी चाहता हूँ कुछ ज्यादा बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो मूड मेरा बना रहे हैं ना, इसलिए मैं बातें भी कर रहा हूँ और गा भी रहा हूँ। जरा अगर आपको ज्यादा लगे तो कह दीजिएगा, मुझे आप कह सकते हैं। वैसे आप यू कैन राइट टू मी ऑन फेसबुक, मेरा जो नाम है तलत अजीज म्यूजिशियन, और आप ट्विटर पे @तलतअजीज2 पर आप अपने तासुरात भेज सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा, ये वादा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को जो जवाब मिले हैं वो इस बात की दलील है उनके पास कि मैं खुद जवाब देता हूँ। तो मैं वापस आ गया हूँ और मुझे यकीन है कि आप सब इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं, है ना जी। अब तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताऊं कि अगर किसी वजह से आप ये प्रोग्राम यानी कि कारवाने गज़ल आप पूरा नहीं सुन पाते, तो यही प्रोग्राम आप अगले सैटरडे इसी टाइम पर 9 से 11 आप सुन सकते हैं, और याद रखिएगा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर ही। चलिए अब मैं एक ऐसी हस्ती की बात करता हूँ जो मेरे लिए बहुत खास, मेरे उस्ताद रहे हैं, मैं उनका शागिर्द रहा हूँ, और उस्तादी और शागिर्दी की तो बात अलग है, मैं उनका क्या कहूँ, परस्तार रहा हूँ उनके उनके फन का, उनकी गायकी का और उनकी पर्सनैलिटी का। एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया, रखा अपने साथ, और मैंने उनसे काफ़ी कुछ हासिल किया, तालीम के एतबार से, दुनियावी एतबार से भी। और वो शख्स का नाम है, सारी दुनिया जानती है, मेहदी हसन। बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है शायद कि उन्होंने गजलियात के अलावा, प्योर पोइट्री के अलावा, उन्होंने फिल्म के नगमे भी गाए, और उनके फिल्म के नगमे काफी मशहूर हुए और पॉपुलर आज तक हैं, जिसमें से मैं आपको अभी पहला सुनाऊंगा, जिसके कई वर्जन्स और तरीके से लोगों ने सुने हैं और बनाए गए हैं। ये है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जान जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, तेरी याद को इस दिल से भुलाता कैसे, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाता कैसे, तू कोई रेत पे लिखी हुई तहरीर नहीं, तहरीर का मतलब राइटिंग, तू कोई रेत पे लिखी हुई तहरीर नहीं, वक्त के साथ जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं, तेरी याद को। कदील शिफाई साहब का कलाम है ये। मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाता कैसे, तू कोई रेत पे लिखी हुई तहरीर नहीं, वक्त के साथ जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं। वाकई मोहब्बत, इश्क, सच्चा इश्क कभी मिट नहीं सकता, अगर मिट गया तो वो सच्चा इश्क नहीं था। इश्क तो एक बार इंसान की रूह में घुस जाए और बस जाए तो फिर वो ता कयामत वो बाहर नहीं जा सकता, ये तो बात तय है। और अगर ये बात तय है तो ये सुनिए, तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना। मैं हूं तलत अजीज और ये है कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर, और यही प्रोग्राम है जिसके जरिए महफिल, तासुरात, गजल, इश्क, मोहब्बत, ये सारी बातें आप सब को पहुंचती हैं, और आपके तासुरात, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपके खतूत या आपके पयाम, आपके ईमेल्स, आपके कमेंट्स फेसबुक पर और ट्विटर पर जो आप भेजते हैं, उसके जरिए मैं आपसे ये लिंक कायम रखता हूं,
और मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं वाकई दिल से कहता हूँ कि आई एम सो हैप्पी। हर इतवार का मैं इंतज़ार करता हूँ कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इतनी ही जिद्दत और इतनी ही बेचैनी के साथ इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते होंगे। अब मैं आपको मेहदी साहब की एक गाई हुई एक गज़ल तो नहीं कहूँ, ये भी नगमा है इसी नौयत का, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये नगमा इनका बहुत पहले का है, और जब मैं जब आया था इस शहर में ना बम्बई में, तो राजेंद्र कुमार साहब जो हमारे मशहूर मारूफ एक्टर फिल्म डायरेक्टर जिनके बेटे कुमार गौरव साहब थे, वो फिल्म बना रहे थे जो आपको याद होगा लव स्टोरी, जिसमें कुमार गौरव का लॉन्च था। तो एक दिन राजेंद्र कुमार साहब मुझसे मिले, बोले वो जो मेहदी साहब मेहदी हसन की जो गजल है ना, वो गजल तो नहीं वो फिल्म का नगमा है, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। मैंने कहा जी उसको तुम रिकॉर्ड कर सकते हो? मैं बोला जरूर, लेकिन वैसे ही चाहिए मुझे। मैं बोला किसके लिए? बोले मैं चाहता हूँ कि जैसा वो मेहदी हसन ने गाया है वैसे ही उसको मैं रिकॉर्ड करूँ तुम्हारी आवाज़ में, और हमारी एक फिल्म आने वाली है लव स्टोरी, जिसमें वो बिल्कुल सिचुएशन पर बैठती है। मैंने कहा देखिए राजेंद्र कुमार साहब, मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपको इजाज़त मांगनी पड़ेगी मेहदी हसन साहब से, क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं। बोले आप उसकी फिक्र मत करो, मैं वो कर लूँगा। मैंने ठीक है। तो वो गज़ल ये थी, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। मैं हूं तलत अजीज, कारवाने गजल प्रोग्राम पे 92.7 बिग एफएम पर, और ये शेर आपकी नजर है। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चरा, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चरा, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छूलूं तो फिरे जान तमन्ना मुझको, देर तक अपने देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का है उनवान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान, तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं कभी कभी ये सुनता हूँ तो बह जाता हूँ। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है मुझ पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान, तुझे चाहूंगा। मुझे यकीन है कि आप सब इसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि मैं गा भी रहा हूं, बात भी कर रहा हूं, और आपको खास खास चीजें, खास खास नगमे, रोमांटिक और दर्द भरे प्यार भरे नगमे भी पेश कर रहा हूं। याद रखिएगा, अगर आप ये प्रोग्राम आज नहीं सुन पाए किसी वजह से, तो आप इसे अगले सैटरडे आप सुन सकते हैं 9 to 11। और अगर आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ आपके तासुरात हैं जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यू कैन राइट टू मी ऑन माय फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी @talatazeez2। और अब वक्त आ गया है जाने का। जाने से पहले सिर्फ ये कह दूं मैं कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान
होगी। जी, ये एक ऐसी होनहार फनकारा हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में ऐसा मकाम अपना हासिल किया है गायकी में और म्यूजिक में कि वाकई मुझे ऐसा लगता है कि ये कहाँ अब यहाँ तक पहुँची तो अल्लाह जाने ये कहाँ और कहाँ तक जाएंगी। श्रेया घोषाल इनका नाम है। अभी अभी उन्होंने एक अपना गज़ल का एल्बम भी लॉन्च किया है हम नशीं, उसके बारे में हम अगले संडे बात करेंगे। तो याद रखिएगा अगले संडे श्रेया घोषाल हमारे साथ होंगी, मेरे साथ होंगी, आपके साथ होंगी। आपके मोहब्बत और आपके शफ़क़त से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ तलत अज़ीज़ और ये प्रोग्राम है कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर। खुदा हाफिज़, शब खैर।